Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you so much for joining us. And once again, on behalf of the Stavila TV, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ टू दिस ग्रैंड अफेयर, जहाँ पे हम करने वाले हैं बात विद नन अदर देन अ न्यू टैलेंट दैट इज स्नेहा भावसार. स्नेहा भावसार से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल हैं उनके. जो फैंस भी हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन, क्योंकि हम आज उनसे करने वाले हैं ढेर सारी बातचीत. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वांट टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, लॉट ऑफ स्टफ. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज आउट हियर टू काइंडली बी हियर विद अस. हमारी बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी अदाकारा स्नेहा भावसार इज राइट हियर विद अस. एंड आई विश कि आप जल्द से जल्द यहाँ ज्वाइन इन हो जाएं, ताकि उनके साथ हम ढेर सारी बातचीत कर सकें. Once again, on behalf of Stavila TV, I welcome everyone who's out here. बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उन सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि आज आपके पास मौका है अपनी इस प्यारी सी एक्ट्रेस से प्यारे प्यारे सवाल करने का. आप अपने जो सवाल हैं वो कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ टॉक, वी कैन हैव अ चैट विद स्नेहा, एंड आपके भी जो सवाल हैं वो हम पूछ सकें उनसे. लेट्स सी इफ वी कैन ज्वाइन इन स्नेहा नाउ. So we are just waiting for Sneha, and thank you everyone who's joining in. बहुत सारे fans हैं जो join in कर रहे हैं. So to everyone who's out here, thank you so much for being here. And the Stavila TV हमेशा यही कोशिश करता है that you always stay connected. And say hi, Sneha, how are you? Hi, how are you? बड़ा ही प्यारा सा चेहरा. And Sneha, we are so thankful to you that you've taken out the time to be here with us. Oh, you're most welcome. And I'm, after a long time, I'm with Stavila, you know. I'm so glad that you found the time. और क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी आप तो खैर you have your own successful show running on Star Plus. फैंस को तो खैर पता ही है, फिर भी मैं एक बार लोगों को बता दूं दैट शी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन वुमन है किसी के प्यार में. तो कांग्रेचुलेशन स्नेहा फॉर बैकिंग सच अ बिग रोल इन सच अर्ली जर्नी. थैंक यू सो मच. एंड स्नेहा, बहुत सारे फैंस है जो जुड़ रहे हैं, एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि थोड़े से लोग और जुड़ जाए. एंड तो स्नेहा, आई थिंक लोग ज्वाइन करते जाएंगे. मेरे पास ढेर सारे सवाल है, बहुत सारे फैंस ने भी आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़े हैं. सो इफ इट्स ओके विद यू, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू. या ओके. स्नेहा, सबसे पहला सवाल, आई मीन बहुत लोगों ने पूछा होगा एंड यू मस्ट हैव आंसर्ड इट आई डोंट नो लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बट स्टिल वी विल आस्क यू दैट फर्स्ट. आपकी शुरुआत कैसी, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड आज तक की जर्नी आपकी कैसी रही? शुरुआत मेरी 2016 में हुई थी. 16 में नॉर्मली छोटा सा ऑडिशन हमारे एमपी में ही रखा गया था, एंड वहां से फिर मुझे हुआ था कि यार मुझे देना है ये ऑडिशन. सो पापा और मेरा डायरेक्ट तो था नहीं कि मैं उनसे डायरेक्ट बोल दूं कि पापा मुझे ऑडिशन देना, और तो फिल्म इंडस्ट्री की बात तो फिर अलग ही है. तो इधर से मम्मी के कान में जाती थी बात, मम्मी वहां ले जाती थी, फिर उधर से मम्मी के कान में इधर मुझ तक जाती थी. तो मैंने मम्मी को, मम्मी का सिर खा जाती थी, बोला मम्मी अब तो मुझे ऑडिशन देना है, एक बार ट्राई करने दो, बस एक बार बस ट्राई तो करूंगी, मुझे तो बस देखना है कि ऑडिशन कैसे देते हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट थोड़ा मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ता है, बिकॉज आई नो कि वहां तक शायद नहीं भेजेंगे. बट फिर ट्राई किया, देन वहां के जो ऑडिशन लेने आए थे उनको मेरा ऑडिशन काफी अच्छा लगा, एंड उन्होंने पापा को बोला कि आपकी बेटी की एक्टिंग मुंबई के लायक है, आप उसको मुंबई लेके आओ. तो पापा को लगा कि यार करना चाहिए सपोर्ट अगर बेटी अगर इस चीज में आगे है तो, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं आगे थी नहीं. तो इट्स लाइक कि यार चलो शायद अगर यहाँ सक्सेस हो गई तो यहाँ तो मेरा फ्यूचर है. तो फिर मेरी शुरुआत हुई 2016 के 26 नवंबर को, मैं फर्स्ट बार मुंबई आई थी. इवन पापा आल्सो, पापा भी पहले कभी मुंबई नहीं आए थे, तो वो मेरे साथ आए थे. दैट्स सो स्वीट. एंड आई वाज जस्ट 16 दैट टाइम. माय गुडनेस, मतलब इतनी छोटी उम्र में तो आना, एंड चलो अंकल को तो आपने फिर भी कन्विंस कर लिया, बट लाइक डिड यू मिस दैट कि यार मैं स्कूल पूरा एंजॉय नहीं कर पाई या मैं कॉलेज ढंग से अटेंड नहीं कर पाई, एंड नाउ सिंस यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, तो आई डोंट थिंक अब आप वैसे भी लुक बैक कर पाओगे. सो वाज देयर एनी काइंड ऑफ रिग्रेट कि यार
ये मतलब एज एन एक्टर मैं यही सोचती हूँ कि यार अब मैं एक्टर हूँ तो शायद मैंने मुझे जिंदगी के हर वो रोल प्ले करने को मिलेगी, हर इंसान की लाइफ जीने को मिलेगी, तो जिंदगी में ऐसे कुछ है नहीं जो मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मैं अपनी ही जिंदगी को छोड़ के आ गई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार कॉलेज लाइफ कैसी होती है, कॉलेज बंक करना, टीचर्स को परेशान करना, ये तो स्कूल में तो बहुत, स्कूल तो ऐसा था कि बहुत पहले ही छूट गया, 16 साल में मेरा स्कूल ही कम्प्लीट हो गया था। जब टाइम आया, जब एंजॉय करने का, जब समझ आने लग गई हर चीज, तो वो टाइम होता है कॉलेज, तो वो मैंने मिस कर दिया। डेफिनेटली ये चीज तो हमेशा रहेगी मेरे दिल में, दिमाग में, और हमेशा ही क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ नहीं जी है, बाकी मैंने सब कुछ जिया है। कोई बात नहीं। वैसे आई थिंक वो आपने बात बहुत सही बोली है कि अब सिंस यू आर एन एक्टर नाउ, तो आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये रोल अदा करने को मिलेगी, एंड वी डू होप कि हम आपको इन सारे रूपों में देखें। सो विल डेफिनेटली बी हियर। नेहा, मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला दैट यू लव सेल्फीज, इज इट ट्रू? सेल्फीज नो, नॉट दैट मच, बिकॉज पहले मैं बहुत सेल्फी लेती थी, मतलब बोलते ना सेल्फी होलिक थी मैं, बहुत ज्यादा सेल्फीज लेती थी। बट एक सेकेंड, गाइस आई थिंक हाँ तो सेल्फीज का मुझे पहले बहुत शौक था, बट अब क्या है ना, ये मॉडलिंग में आने के बाद फोटो शूट्स होते रहते हैं। हाँ श्योर, सो बहुत सारे फिर फोटो शूट्स होते रहते हैं, और इतनी आदत पड़ गई है ना कि अब सेल्फी लेने की आदत ही नहीं बची है। इट जस्ट लाइक कि यार कोई सामने से अपनी पिक्चर्स ले रहे तो उसमें आप अच्छे अच्छे पोज दे सकते हो, नेचुरली आप जो हो वो दिख सकते हो, सेल्फी में अब मन नहीं रहा है सेल्फी लेने का। बट हाँ, आजकल मुझे लाइव आने का बहुत शौक चढ़ा है, ये बात शायद आपको मेरे ही को एक्टर्स से पता लग, क्योंकि सब लोग मुझे ही बोलते हैं अब तो स्नेहा लाइव आएगी, स्नेहा लाइव आएगी। तो ऐसा है, मैं अच्छा ही है ना, दिस इज द वे यू इंटरैक्ट विद फैंस। हमें भी बाद में पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या शो में क्या चल रहा है। एंड वाकई में जो कैरेक्टर अभी आप प्ले कर रही हैं गुम है किसी के प्यार में, दैट्स अगेन यूनिक। पहले उसका थोड़ा सा टोन सॉफ्ट था, अब वो थोड़ा सा ग्रे शेड पे जाने लगा है। तो टेल मी, वो क्या है कैरेक्टर एंड आप किस तरफ वो मोड़ लेगा ये बताएं। अबाउट करिश्मा ना, अबाउट मीना। सो करिश्मा इज वेरी किडिश टाइप, अब इतनी जल्दी उसने लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शी इज जस्ट 21 22, एंड मोहित इज ऑल्सो 21 22। सो बड़े भाइयों की शादी से पहले छोटे की शादी, मैं इसमें मैरिड हूँ, करिश्मा मैरिड है, एंड वो ऐसा है कि सिंधी फैमिली से है, जो कि मराठी परिवार में आई है बहू बन के। जो काकू है, भवानी काकू, एक्सेप्ट नहीं करती है उनको, करिश्मा ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मराठी खानदान में लड़कियां ऐसे होती है, बहुएं ऐसे होती है, जो कि करिश्मा बिल्कुल नहीं है। जो जो अगर कुछ होता है बोलने का तो वो बोल जाती है, फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि शिट मैंने क्या बोल दिया। तो शर्म लिहाज वगैरह ये सबसे थोड़ी परे है करिश्मा, तो उसको एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं किया जाता, उसकी अच्छाइयों में भी बुराई निकाली जाती है, इसीलिए पाखी के आने से उसको थोड़ा है कि यार मतलब पाखी मराठी परिवार से है, तो उसकी अगर कमियां भी होगी तो उसमें अच्छाई ही देखी जाएगी। पाखी कुछ भी करे काकू उसकी तारीफ ही करेगी, तो वो चीज जो है करिश्मा के अंदर है, तो करिश्मा इसीलिए कोशिश करती है कि कभी ना कभी पाखी का भांडा फोड़ दे घर वालों के सामने। सो करिश्मा इज जस्ट लाइक दैट। मोहित एंड करिश्मा आर वेरी फनी, बिकॉज दोनों ने लव मैरिज की, मोहित बहुत फिल्मी है एंड करिश्मा उसको फुल सपोर्ट करती है, बाकी घर में कोई नहीं करता है, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। नॉट सो स्वीट। अच्छा एक बात बताइए, ये तो स्टोरी की बात हो गई, आपका रियल लाइफ में ऑन सेट बेस्ट फ्रेंड कौन है फिर? बेस्ट फ्रेंड मेरी कहूंगी, सेट पे बेस्ट लोग है मेरे साथ, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक पिक्चर डाला था जिसमें मैं, मोहित, सम्राट और यामिनी, यामिनी दी मतलब शिवानी का रोल जो कर रही है, और शैलेश सर एंड मृदुल सर, ये लोग मतलब बेस्ट लोग हैं। अगर बेस्ट फ्रेंड में नहीं कहूंगी, बेस्ट फ्रेंड पर्टिकुलरली एक होता है,
बट ये हमारी एक गैंग बन गई, हम लंच करेंगे तो साथ में करेंगे, पैकअप होगा तो मतलब बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं, तो ये बस बेस्ट पीपल है मेरी सेट के। क्या बात है। अच्छा तो सेट पे लाइक आपको ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस या मतलब ज्यादा मस्ती होती है या यू गेट टू लर्न अ लॉट इधर? मतलब लर्निंग ये होता है कि ये डिफरेंट कैरेक्टर है, जब आप जब मस्ती आप अलग करते हो, लेकिन जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, जब आपका सीन होता है, अच्छा मेजर सीन होता है, तो एक टाइम में अपना अलग निकालती हूँ, जैसे सिर्फ मैं स्क्रिप्ट पे ध्यान देती हूँ, एंड जब मैं एक्ट करती हूँ तो डायरेक्टर सर को अगर कोई कमियां लगती है तो वो ऑफकोर्स मेरी लर्निंग प्रोसेस ही होगी। एंड बहुत कुछ, हर नए कैरेक्टर कर हर नया कोई भी हम कोई भी नया कैरेक्टर करे तो उसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो करिश्मा से भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि करिश्मा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल भी हो रहा है, लेकिन वो ठीक है, मतलब ऐसे भी नेगेटिव नहीं है कि वो किसी का बुरा चाहे। सो हाँ इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ी सी जेलस होती है, तो वैसा, तो ये इस टाइप का रोल मुझे करने को पहली बार मिला। एक अंदर की जेलसी कभी कभी दिखाने को मिलती नहीं है किसी भी रोल में, तो इसमें मुझे वो भी करने को मिला, जो कि मैं हूं नहीं वैसी, मैंने कभी अपनी लाइफ में नेगेटिव रोल्स प्ले नहीं किए हैं, और कभी मतलब उस हिसाब से सोचा भी नहीं अपनी रियल लाइफ में किसी के बारे में। तो ये भी मेरे लिए एक सीखने वाली चीज ही है कि जो आपने नहीं किया वो भी आप कर रहे हो। नो डाउट अबाउट दैट। तो एक बात बताइए स्नेहा, ये जब रोल आपको मिला था, ऑफर हुआ था, तो इसकी तैयारी के लिए आपने क्या क्या मेहनत की थी? ऑडिशन दिया था मैंने इसका, देन शौर्य का फोन आया था कि स्नेहा हम इस रोल के लिए आपको कास्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज जो स्क्रिप्ट, जो ऑडिशन की स्क्रिप्ट थी करिश्मा की, वो बहुत फनी थी, उसमें मोहित और करिश्मा का कन्वर्सेशन था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो स्क्रिप्ट ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि यार ये रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी वेरिएशन करने को मिलेंगे, तो मैं बहुत हैप्पी थी, मतलब मुझे स्क्रिप्ट से ही अंदाजा हो गया था कि रोल कैसा होने वाला है। क्या बात है स्नेहा, एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है बाय टी मोहित 024। स्नेहा मेकअप में ध्यान देती है एंड मेकअप दादा प्लशर देना ये कहती रहती है, इज इट ट्रू? ये मोहित है, हमने लास्ट इसी प्रोडक्शन का किया था जातना मुझे प्रेम की, तो मतलब मेरी को एक्टर्स भी अब हमारी लाइव देख रहे हैं। बहुत सारे सीक्रेट आपको यही पता चल जाएंगे मेरे लिए। मोहित मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, सो इसीलिए वो ऐसी सीक्रेट्स बताता रहता है। तो मैं हाँ रिक्वेस्ट ब्लशर करूंगी जितने भी शो के लोग हैं, प्लीज अपने सीक्रेट्स यहाँ बिल्कुल बिंदास बता दे, हमारे साथ स्नेहा है, वी कैन टॉक टू हर। तो हाँ ये बात सच है, मैं जी एक्सेप्ट अरे करूंगी। चलिए सन सनी के खिलाता। वैसे मैम एक बात और ये बताइए, लाइक यू वर्क बहुत कम एज में आपने कैमरा फेस किया है, कई बारी तो बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि हम लोग कैमरा फेस कर रहे हैं या ये कोई ऐसी चीज है जो बाद में जाएगी, तो आपका जब फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था कि जब आपने पहली बार कैमरा देखा तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा वो था कि यार पहला काम मिला है और बहुत जल्दी मिल गया, मैं प्रिपेयर भी नहीं, मैंने इतने ऑडिशंस भी नहीं दिए हैं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, बट फिर एक पॉइंट पे ये भी था कि यार इतनी दूर आए हैं सुसनेर से मुंबई, सो इट इज लाइक कि अब तो आ रिया पार, करना तो है ही, नो का तो कोई चांस है ही नहीं, गंदा करूं अच्छा करूं कॉन्फिडेंटली मुझे कैमरा मतलब करना ही है फेस, तो यही चीजें थी, और फिर वैसे ही करती थी चीजें, और फिर जब आपके पापा का सपोर्ट हो तो फिर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। नो डाउट अबाउट दैट, मतलब पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस, फैमिली का कॉन्फिडेंस आपको किस हाइट पे ले जाता है। ऑडिशन बाहर रहते थे तो यार चलो कोई आया है साथ में। एक वो तो है ही, मतलब साथ ही साथ में क्योंकि अभी का जो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो कई लोग लोनली फील करते हैं मुंबई में, कई लोग फिर टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव समवन। एक फैन ने आपके लिए बहुत स्वीट सा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं वो भी पूछ लेती हूँ। अनुराग ओनू इज आस्किंग यू,
डू यू लाइक पाखी दीदो? यू क्या आपको पाखी एज अ कैरेक्टर और एज अ रियल लाइफ कैरेक्टर पसंद ये कैसा सवाल हुआ? अगर रियल लाइफ की बात करें तो करिश्मा पाखी को लाइक नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि उसके अलग रीजंस है, वो मराठी खानदान से है तो उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और उसकी कोई भी गलती, उसकी कमी निकाली ही नहीं जाती, और करिश्मा यार सब कुछ अच्छा कर तो भी कमियां ही निकाली जाती है, तो पाखी को वैसे करिश्मा पसंद नहीं करती है। बट हाँ, ऐश्वर्या को, स्नेहा ऐश्वर्या को बहुत पसंद करती है, तो और वो भी हमारे एमपी से ही है, तो हम लोग सेम जगह से बिलोंग करते हैं, तो एक अपनापन भी रहता है, तो जस्ट लाइक दैट। क्या बात है। अच्छा सुना, फिर भी अभी जैसे बिग बॉस चल रहा है, डू यू फॉलो बिग बॉस? आपको पसंद है? बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और थी भी, पर लास्ट जब बिग बॉस आया था, बिग बॉस 13, मैंने बहुत फॉलो किया, मैं डेली देखती थी, बट ये वाला बिग बॉस नहीं देखा बिकॉज अभी शेड्यूल थोड़ा हैक्टिक हो गया, और बिग बॉस जब से आया तब से ही मैं इसका शूट कर रही हूँ, सो ये तो मुझे ज्यादा देखने में नहीं आया, बट हाँ इंस्टाग्राम पे कभी कभी देख लेती हूँ, मतलब उसको मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ तो मुझे देखने में आ जाते हैं। क्या बात है गाइस। मैं फैंस जितने भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे फैंस हैं, आपको बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, आप भी देख ही सकती हैं स्नेहा, नो डाउट अबाउट दैट। सभी को अ वेरी बिग थैंक यू, एंड आप भी अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में प्लीज लिख दें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं स्नेहा से यहाँ डायरेक्टली बात करके पूछ सकती हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। सो टू ऑल द फैंस हु आउट देयर, बिंदास अपने क्वेश्चन लिखो और स्नेहा मैम उनका सही सही जवाब देने वाली। There's one very sweet comment, आप इनको जानती हो तो, हर्षल ऑफिशियल, ER हर्षल ऑफिशियल, एंड ही सेइंग ड्रामा क्वीन कैसी हो, डू यू नो हिम? एक सेकेंड, लेट मी चेक। हर्षल ऑफिशियल, मुझे मुझे नहीं मिल रहा उनका मैसेज, मैं नहीं देख पा रही हूँ। कोई बात नहीं। हर्षल थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटी। मिला? कोई सॉरी, मुझे आपका नहीं मिल रहा है मैसेज हर्षल। बात नहीं। थैंक यू फॉर, आई एम वेरी गुड एंड हाउ आर यू? अच्छा एक बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन आया है फ्रॉम आर्यन, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? ये तो बहुत टफ सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं मैच नहीं देखती हूँ और मैं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ, जब अगर मैं अगर कोई डेली शूट करूँ तो इतनी लाइफ हैक्टिक होती है, डेली शूट रहता है, सुबह जल्दी उठना, रात में देर से आना, थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें नींद पूरी करना, सो ये सब तो दूर ही हो जाते हैं, मतलब ये सब देखना, नेटफ्लिक्स और मैच देखना या फिर कुछ भी देखना, कोई भी डेली शूट देखना, तो हम सिर्फ काम करते हैं, हम देखते कुछ नहीं है, हम दिखते हैं बस। अच्छा स्नेहा, मयूरी ने पूछा है आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड दाल बाफले, क्या बात है, जो कि दाल सिर्फ, बाफले। जो कि या तो मुझे सिर्फ एमपी में खाने को अच्छे मिले होंगे या फिर हमारे घर में, बाकी बाहर का, मुंबई का तो मुझे कुछ है ही नहीं पसंद ज्यादा। अच्छा क्यूट। विमल पूछ रहे हैं, मैम सो एफिन क्रे में कब आओगे? सो एफ एन क्रे मैं बहुत मिस कर रही हूँ, सो एफ एन क्रे को, बट अभी मैं डेली सोप कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ से कभी भी ब्रेक मिलता है तो मैं जरूर सो एफ एन क्रे के साथ उस टाइम पर काम करूंगी, एंड सो एफ एन क्रे के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले हैं, जब मैं आना चाहूँ मैं आ सकती हूँ वहां। तो वाह, तो इज दैट लाइक अ वेब सीरीज काइंड ऑफ अ थिंग, क्या है ये, थोड़ा सा बताएंगी आप हमें? सोई फिन क्रे इज अ यूट्यूब चैनल एंड नाउ इट्स अ टीवी शो ऑल्सो। सोई फिन क्रे काफी फेमस चैनल है और बहुत सारे मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और सोई फिन क्रे से मुझे बहुत सारा प्यार मिला, सोई फिन क्रे के फैंस में कहीं भी जाओ मिल ही जाएंगे मुझे कहीं ना कहीं। दैट इज सो क्यूट। अच्छा एक बात बताइए स्नेहा, अभी लाइक अभी आपका लाइक सबसे फेवरेट, आपके आप तो इतने फैंस हो गए हैं एंड यू गॉट सो मेनी पीपल हु गिव यू लव, तो आपका फेवरेट फैन मोमेंट अब क्या है? मतलब कौन सा फैन है आपका जो बहुत ज्यादा आपको पसंद करता है, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? हाँ, मेरे 2 साल पहले जब मेरा बर्थडे था, जब मैं इश्कबाज कर रही थी शो, तो एक फैन भी मेरे मतलब मेरे किसी फ्रेंड फ्रेंड से ही मेरा एड्रेस वेड्रेस लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे, मैं बाद में रिप्लाईज भी कर देती हूँ फैंस के, तो मैं गिफ्ट के लिए मैं कभी भी एड्रेस नहीं दूंगी, क्योंकि वो
अच्छा नहीं लगता, मतलब वो उनका प्यार ही बहुत कुछ है, तो वो गिफ्ट वगैरह भेजे ये सब मुझे नहीं यार अच्छा लगता। तो बट ये मेरे लिए सरप्राइज हो गया कि मैंने एड्रेस भी नहीं दिया, मेरे घर पे केक आ गया, और उस वक्त मैं ट्विंकल का रोल प्ले कर रही थी, तो उसपे लिखा था हैप्पी बर्थडे ट्विंकल। वाज सो तो वो क्यूट. चीज और भी अच्छी थी, और उसमें एक कुछ तो एक मैसेज भी था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन फिर मुझे पता चला कि एक फ्रेंड से उन्होंने एड्रेस वगैरह लिख के और फिर मेरे घर पे केक भेजा। और एक और फैन मोमेंट भी इश्कबाज का ही था। मेरी एक फैन थी, तो उन्होंने मेरी कोई मुंबई में ही कोई कांटेक्ट था जिनसे जो मतलब वो भी कास्टिंग ही करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी एक फैन है जो कि आपके बर्थडे पे आपसे मिलना चाहती है, और वो चाहती है कि केक कटिंग आप उसके साथ करो। तो वैसे भी मैं यहाँ तो अकेले ही रहती हूँ, और उस वक्त ज्यादा फ्रेंड्स भी मेरे मुंबई में नहीं थे, तो मैं बहुत फ्रेंड्स भी बहुत कम बनाती हूँ। तो उन्होंने मेरा केक कटिंग किया, और वो मेरे लिए उससे स्पेशल मोमेंट था, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के बिना रह रही थी और ना ही फ्रेंड्स मेरे थे उस वक्त, तो वो काफी अच्छा मोमेंट था। उन्होंने पूरा केक वेक, और उनकी, और वो कोई एक सिंगल नहीं थी, मतलब वो मैरिड थी, उनके हस्बैंड आए थे, उनके उनका बच्चा भी आया था, और फिर मैंने वीडियोस भी डाले थे, और सिर्फ केक ही नहीं, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे, तो क्या बात बहुत है, मुझे वो दैट इज सो स्वीट. एंड ऐसे फैंस मिलना बहुत मुश्किल होता है. एंड मतलब इट्स लाइक बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि दैट समबडी इज एक्चुअली गिविंग यू दैट टाइम और इतना प्यार आपको वहां दिया व्हेन यू वर अलोन. वो मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह से अपने घर पे निकले थे, तब तक शाम को मुंबई पहुंच गए थे, ओह माय मुंबई गुडनेस, से बाहर। तो वाह. एक और क्वेश्चन आया है स्नेहा, टू वर्ड्स फॉर दृष्टि मैम एंड मानी भाई. ये भी सोइफ एंड क्रीमी काम करते हैं। दृष्टि मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मेरे साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं काम किया था, उसके बाद सोइफ एंड क्रीमी काम किया, पर सोइफ एंड क्रीमी मैं नहीं थी तब काम किया था। और सैंडी जो मेरा को एक्टर है सोइफ एंड क्रीमी, सैंडी बहुत स्वीट है, और मैंने पहले भी कहा बहुत डिसेंट है, मतलब तेज तर्रार वाला नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर उसका कोई फैन मिलता है तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि यार वो एक्टर है वो स्टार है, बिल्कुल वैसा नहीं, वो फैन के जैसे ही बिहेव करेगा उसके साथ में। सो ही इज वेरी काइंड। एंड दृष्टि, दृष्टि से मैं ज्यादा नहीं मिली हूँ, सिर्फ मैंने वहां पे डेली उनके साथ काम किया था, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं हो गया, बट दृष्टि को मैं ज्यादा पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट ऐसे दृष्टि बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बस दृष्टि में ज्यादा इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, तो मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया था अभी, अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो वुड यू गो? ऑफ कोर्स, क्योंकि बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, हालांकि अब टाइम ऐसा हो गया है कि मैं फॉलो नहीं कर पा रही ये वाला सीजन, बट हर सीजन मैंने फॉलो किया है, स्पेशली 13th सीजन तो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गो। अच्छा, आपके शो के अलावा जो आप अभी प्ले कर रही हैं, इसके अलावा आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है अभी? टीवी शो मैं देखती नहीं हूँ कुछ भी, अच्छा, बट जब मैं मतलब मैं जब एक्टर नहीं थी, मतलब मैं यहाँ पे मुंबई नहीं आई थी, तब मैं देखती थी स्कूल टाइम पे, जिंक पे आता था प्यार तूने क्या किया, वो एपिसोडिक था, बट वो मुझे बहुत पसंद था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज आती थी। देयर्स अभय अजमेरा हुसैन ये हीरोइन. सॉरी, हाँ हीरोइन, हाय हाय अभय, दैट्स सो स्वीट. फैंस आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं, वी गॉट लॉट मेनी क्वेश्चंस. एक तो जब आपका अनाउंस किया था उसके बाद से हमें इतने सारे क्वेश्चंस आए थे फैंस से. आई मीन आवर डीएम वाज पिंगिंग अगेन एंड अगेन, मतलब भैया क्या बात है इतनी. तब पता चला कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली लाइव आती है एंड यू इंटरेक्ट विद फैंस एंड उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है दैट यू टॉक टू देम. तो स्नेहा एक बात बताओ, लाइक डू यू फील कि अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया सो इट्स मोर इजियर टू टॉक टू योर फैंस, या पहले अच्छा था कि जब वो चिट्ठी पत्री भेज के और वैसे बात करते थे? नो, अभी ज्यादा अच्छा है, पर हाँ ये है कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो पहले क्रेज रहता था ना, वो शायद अब थोड़ा कम हो गया, तो कुछ इजी हो गया है, अब इतनी बड़ी बात नहीं रही है, बट हाँ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो अपने फैन से, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पता चलता है सोशल मीडिया से कि हमें कितना प्यार मिल रहा है, और हमें किस रोल में पसंद किया जा रहा है, हमें लोग कैसे देखना चाहते हैं, ये चीज हमें पसंद है।
तो हमें पता चलती है सोशल मीडिया से। हाँ क्या बात है स्नेहा, एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, आपका निकनेम क्या है? गौरी? मेरा निकनेम गौरी, तो मुझे लोकल पढ़ने गौरी बोला। के पीछे का क्या था, बचपन में ही दे दिया था, बोले यार ये गोरी सी लड़की है तो उसका नाम गौरी रख दो। नहीं, मैं बचपन में काली थी, पता नहीं मुझे गौरी नाम कैसे दे दिया। या तो घर वालों को पता होगा कि बड़ी हो गई शायद गोरी हो जाएगी, तो मैं गोरी हो गई। That's so मैं cute. एकदम काली भी नहीं थी, बट हाँ मैं गौरी भी नहीं थी। एक सवाल है किंशुक का, किंशुक पूछ रहे हैं कि पल्स है एम्स में तो आप वहां आना चाहेंगी क्या? पल्स करके उनका फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल होता है किंशुक का। मैम को अगर आपको मैं बता दूं दैट इफ यू वांट टू कॉल हर तो आप स्टाविला से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल डेफिनेटली अरेंज कि मैम वहां पे आ जाए एंड शी कैन बी देयर एट एम्स। तो डीएम अस श्योर, एंड यू नेवर नो, एम्स में हम लोग स्पेशल एक परफॉर्मेंस मतलब एक स्पेशल प्रेजेंस दे दे स्नेहा की जस्ट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। स्नेहा अच्छा ये बताइए दैट कभी आप अगर मूवी शूट पे जाती है, लाइक मूवी शूट हो गया, वेब सीरीज का शूट हो गया, यू हैव डन ऑल द फॉर्मेट्स एज ऑफ नाउ, आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? आपको मूवी ज्यादा पसंद है, टीवी सीरियल ज्यादा पसंद है, या यूट्यूब वीडियो जब आप शूट करती हैं तो वो टाइम ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे बहुत मजा आता है टीवी शो करने में, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है। डेली आपका शूट रह रहा है ना, और यहाँ पे अकेला फील नहीं होता है, क्योंकि डेली शूट रह रहा है, और फैमिली जो बनाई जाती है सीरियल में, वो लगता है कि सच में फैमिली है वैसे, और वो सच में रियल है। तो मजा आता है, मुझे डेली शो में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज वहां पे आप परमानेंट लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा आप इतने टाइम से सेट पे इतने ज्यादा, तो कोई ऐसा लर्निंग मोमेंट रहा है या कोई ऐसी चीज जो आपको पहले नहीं पता थी और अभी एकदम से कुछ नया सीखने को मिला है? इज देयर एनीथिंग? क्योंकि आप बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम करे। सॉरी जी, अगर मैंने सीखने को मुझे सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है, तो यू वोंट बिलीव, बट मुझे सोए तन क्रे से सबसे ज्यादा सीखने को मिला। बत्सल सर ने इतना गाइड किया, बिकॉज यूट्यूब की एक्टिंग इजी नहीं होती है। जैसे आप करते हो नॉर्मली, जो आपको पता है कि आप नेचुरल एक्टिंग ये कर रहे हो, बट वैसा नहीं चाहिए होता यूट्यूब में। एक तो आपके पास टाइमिंग बहुत कम होता है, और डायलॉग बहुत फास्ट फास्ट बोलने पड़ते हैं, ऊपर से डायलॉग बहुत लंबे भी होते हैं, तो वो लंबा डायलॉग आप फास्ट बोल रहे हो तो समझ नहीं आएगा किसी को। तो फेस के जो वेरिएशन है, वो जितने लाउड दे सके वो देना रहता है। तो मुझे यूट्यूब से बहुत सीखने को मिला है, मुझे क्या बात है। अच्छा स्नेहा वी हैव जी हर वीडियो से हर चीज मुझे सीखने को मिलती है। क्या बात है, वी हैव अ वेरी स्मॉल छोटू सा रैपिड फायर राउंड, तो इफ यू वांट वी कैन हैव दैट। एक और बड़ी प्यारी सी फैन है, मैं चाहूंगी आप उन्हें भी हाय बोल दे पहले। दिस इज पुष्पा, पुष्पा पटेल, वो आपको हेलो बोल रही है, तो उन्हें भी प्लीज एक हेलो भेज दीजिए। हाय पुष्पा, दैट्स सो क्यूट। तो चलिए स्नेहा, हाँ आपको वैसे नो डाउट आपकी खूबसूरती, आपकी क्यूटनेस, आपकी स्वीटनेस के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपके तरफ से मैं भी फैंस को थैंक यू बोल रही हूँ, बिकॉज आई मीन देयर सो मच लव एंड सो मेनी पीपल आर सेइंग दिस टू यू। जी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस किसी ने जी पूछा है मुझसे। टीवी इंडस्ट्री में जेनिफर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। एक्टर में मैंने कभी किसी को इतना मतलब नहीं देखा है, नोटिस नहीं किया, बिकॉज मैं फीमेल्स को ज्यादा फॉलो करके, अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो जेनिफर की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद। जी तो आप रेडी हो जाइए फॉर द रैपिड फायर राउंड, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट राइट इट अवे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहली चीज है, फाइव थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट। फाइव थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट, फैमिली, उसमें मम्मी पापा भाई बहन सब आ गए, ठीक है। और यार बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, जल्दी जल्दी से मुझे बोलना है। फैमिली एंड माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय वर्क, सीनियर मेरा दाल बाफला, मैंगो और सोन पपड़ी। क्यूट। तो मतलब दिवाली में तो आप खुशी हो जाती होंगी भैया, सोन पपड़ी के डब्बे ही डब्बे। बहुत खाती हूँ मैं दिवाली में, लिटरली बहुत ज्यादा, बट इस बार मिस करने के बाद मुझे खुद को खरीद के लानी पड़ेगी। और फाइव फाइव में क्या बोलूं, वैसे पांच हो गए।
गए ना पाछा, हाँ और 3 हो गए ना उसमें, तो 6 हो गए। तीन हो गए। नेक्स्ट जो पांच चीजें मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो है, वो पांच चीजें जिनके बिना आप चीजें बिल्कुल नहीं रह सकती। एक सेकेंड, माय फोन, हाँ सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? पांच चीजें जिनके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकती। फैमिली, फोन, विदाउट वर्क, एंड मुझे, आई एम सो सॉरी, मुझे एक कॉल उठाना पड़ेगा वरना वो बार बार मुझे कॉल आएगा, तो अच्छा जस्ट वेट फॉर, बाय। फैंस, जब तक स्नेहा वापस आ रही है तब तक अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, विल बी राइट या एंड हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये पूछ के हम यहाँ स्नेहा से बता सकते हैं कि वो क्या कहती है, क्या सोचती है इस बारे में। एंटिल देन स्टार वाला टीवी की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर ऑल हियर एंड यू आर हैप्पी। जितने भी लोग हैं, देर आर सो मेनी पीपल हु हैव जॉइंड अस, और जो भी लोग आए हैं मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूंगी। आई वॉट सो मेनी पीपल जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड देर ऑल टॉकिंग टू अस। नेहा 2 मिनट के लिए गई है, यहाँ पे भावना रॉय है, कोरोना कब चला जाएगा यार, हम सभी यही वेट कर रहे हैं। स्नेहा रश्वान है ये हम पूछने वाले हैं शाइनिंग स्टार, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ सो दैट हम स्नेहा से बात कर सकें। मैम आप कहाँ से हैं? स्नेहा एक्चुअली मध्य प्रदेश से है रुचि, अगर आप आते तो यू कुड हैव पहले सुन सकते थे। अभी भी स्नेहा को हम लोग वापस कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप स्नेहा से बात कर पाएंगे। भावना रॉय, हम तो चाहते हैं कि कोरोना आ जाए। हाय स्नेहा इज बैक। स्नेहा बहुत सारे सवाल आपके जाने के बाद भी आए हैं, तो मैं आपसे रैपिड फायर पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम लोग उन क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ओके, सो 5 थिंग्स जिनके बिना मैं नहीं रह सकती, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एंड और क्या चीजें हैं, हाँ मेरा फेवरेट फूड मुझे मिल जाए रोज, और मेरा वर्क, 4 चीजें हो गई, एंड विदाउट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चाहे कोई भी हो, चाहे नए फ्रेंड्स बने, पुराने फ्रेंड्स जाए, कुछ भी हो, बट फ्रेंड्स होने जरूरी है लाइफ नो डाउट अबाउट दैट। में। अच्छा भैया, पांच ऐसी जगह जहां आप ट्रैवल करना चाहेंगी? लंदन और पेरिस एंड मालदीव्स भी मैं जाना चाहूंगी, और हिल स्टेशन पे जाना चाहूंगी, लाइक मनाली वगैरह ये, और इसका तो हमने सोचा भी है कि सारे फ्रेंड्स मिलके ट्रिप पे जाएंगे एकदम बर्फीली जगह पर, तो ये तो डेफिनेटली मैं करूंगी, पर धीरे धीरे आगे जाते ही ड्रीम्स आगे होंगे पूरे वहां जाने के भी। ने बड़ी प्यारी सी पूछा था, श्रेयो भावसार आप दोनों का रिलेशन क्या? भाई श्रेयो भावसार हमारा रिलेशन तो सिर्फ इतना ही है कि हम मैम के बहुत बड़े फैन हैं और मैम हमें आज टाइम दे रही नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और स्टार विला के साथ मेरा काफी पुराना रिलेशन है, बिकॉज इंदौर से स्टार विला की पूरी टीम है, एंड मैं पहले भी स्टार विला की पूरी टीम से मिली हूँ, और वकीशा ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब से हमारा काफी अच्छा रिलेशन रहा है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब स्टार विला इतना ज्यादा सोशल हो गया है, तो मैं स्टार हमारे ही काम आता रहेगा, हमारी बातें आप सब तक पहुंचाता रहेगा, हमें आप लोगों तक इतने अच्छे से कनेक्ट करता रहेगा, तो यही हमारा रिलेशन है, और आगे भी और अच्छा बनता स्नेहा एक और बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन पूछा था, आपका क्रश कौन है? मेरा क्रश, मेरे क्रश बदलते रहते हैं। अच्छा हाल फिलहाल वाला कौन है फिर? देखो फर्स्ट क्रश ही मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट क्रश वरुण धवन था, और उसके बाद बहुत सारे चेंज हुए, फिर कार्तिक आर्यन हो गया, फिर जो जो नए नए हैंडसम हैंडसम हीरोज आने लगे वो मेरे क्रश हो गए, सिंगर्स आने लगे वो मेरे क्रश हो गए, तो आई हैव लॉट्स ऑफ क्रश, किसी एक पर नहीं रुका रहता मेरा क्रश।
वाकई में. अच्छा स्नेहा, वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आई मीन हमने काफी सारे क्वेश्चंस मतलब वैसे तो कंप्लीट भी कर लिया. आई मीन आई हैव नॉट लेफ्ट एनी फैन क्वेश्चंस फॉर यू एज ऑफ नाउ, पर अगर फैंस के लिए आप एक स्पेशल मैसेज देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, तो क्या कहेंगे उनके लिए? उनको मेरा बहुत 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 बड़ा थैंक यू, बिकॉज हम सारी एडिट्स देखते हैं, आप लोग इतनी 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 मेहनत से वो एडिट्स बनाते हैं. आई नो, बिकॉज मैं फोटोशूट भी करती हूँ मैं खुद भी, अगर मुझे पिक्चर्स अपनी एडिट करना पड़े तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है. आप लोग इतनी मेहनत लगाते हैं एक एक एडिट्स में, और डेली इतनी सारी एडिट्स पोस्ट होती है हमारी, इतनी सारी मेंशंस होती है, इतना टाइम आप उन लोगों को देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, इतना प्यार आप लोग जताते हो, तो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस. बस इसी तरह हमें प्यार देते रहिए ताकि हम और अच्छे से काम करते हैं और आपको इसी तरह एंटरटेन करते हैं. That is so sweet. स्नेहा, मैं स्टार विला की टीम की तरफ से एंड फैंस की तरफ से आपका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी. वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड वैसे तो, बट बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड मतलब टू ऑल द फैंस, प्लीज फॉलो हर. अगर आप इंस्टाग्राम पे, खैर आप फॉलो करते ही होंगे, नहीं भी करते हैं तो स्नेहा इज राइट देयर बाय द नेम ऑफ ऑफिशियल स्नेहा भावसार. तो उन्हें प्लीज लाइक करें, प्लीज उन्हें फॉलो करें. एंड स्नेहा, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. बहुत दिनों बाद अच्छा लगा, एक बहुत ही फ्रेश सा प्यारा सा चेहरा हमारे बीच में था. एंड स्नेहा, गौरव सर, ऋषिक सर, पूरी ट्रावला की टीम आपको बहुत सारा प्यार करती है. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू सो मच साक्षी, नाइस टू मीट यू हियर. सेम, या बोलिविया से भी आपको बहुत सारा प्यार आ रहा है. एंड दे आर सेइंग दैट दे आर देयर विद यू, सो यू गॉट इंटरनेशनल फैंस एज वेल. ओह वाह, ये तो मतलब मेरे बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छा, सबसे सबसे अच्छी कमेंट मैंने देखी है फिर तो. स्वीट. तो थैंक यू सो मच स्नेहा, एंड इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे. एंड द स्टारविला टीवी थैंक्स यू फॉर बीइंग राइट हियर विद अस. बाय यार, तो लव यू, बाय, नाइस टू बाय. मीट यू यार. सो गाइस, दैट वाज स्नेहा भावसार ऑफिशियली राइट हियर विद अस ऑन द स्टारविला टीवी. थैंक यू सो मच कि आप सभी ने ज्वाइन किया, आप सभी ने उनसे इतनी सारी बातें की. हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. वी आर हियर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर ऑन फेसबुक, वी आर देयर ऑन यूट्यूब. हम आपके फेवरेट स्टार्स, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं जस्ट फॉर यू हियर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी वो अवेलेबल होते हैं. तो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम हमें जरूर भेजे, ताकि हम उस सेलिब्रिटी को आपके लिए यहाँ कैंडल टॉक्स में लेके आ सके. सो थैंक यू टू एवरी वन हुज आउट हियर, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद फॉर बींग देयर. देखते रहिए द स्टारविला टीवी, कैच योर फेवरेट सेलिब्रिटीज.